हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम टू द न्यू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? सब बढ़िया हो ना? मज़े में हो? तो आज का दिन संडे का है और हमारा जो दिन शुरू हो रहा है वो अभी 3 बजे से हो रहा है। सारे दिन का टाइम हो रहा है। मैडम भी अभी उठी है, हम भी, मेरे साथ ही सो गई थी, डेली भी सो गई थी। क्या हो गया डेली? मैंने सोचा मुझे बुखार हो गया। नहीं बेटे, ये पहले तो मैडम हमारी, मैडम से हाय। मैडम हाय, गुड मॉर्निंग। तेरी हमारी जो गुड़िया है ना, ये ना हमें हमारे किसी दिन, ये देखिए मैंने अपनी तो पहुंचा दी, तो कहाँ गई? मेरी और इसकी ना दोनों की सेम टी शर्ट थी, इसने कह रही अपनी तो मैंने पता नहीं कहाँ पहुंचा दी। मैं कहा तू ये डाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गई वो? ये कहाँ गई? किधर गई? इधर। गुड आफ्टरनून। तो कल क्या हुआ? इसकी मम्मी बैठी होगी घर पे, यहीं पे अंदर होगी, तो इसकी आई दौड़ी दौड़ी, मम्मी मम्मी मम्मी, अथर्व की दोनों टूट गई। ये डर गई, इसने दोनों हाथ दिल पे रख लिया, गिर गया और कुछ ना कुछ। मैं कह रही हूँ क्या टूट गई, क्या चप्पल? ये ऐसे है। और जब मैं सुबह देर देर को तो सांस लिया मैंने, फिर अच्छा। मैं तू मुझे अटैक दुआ होगी, दोनों टूट गई। अभी अभी सो के उठी और उठती रोने लग गई। ये बच्चा ना बाप दे ऊपर जाएंगे, ये कहाँ गया वो? यो रामी सबसे नंबर वन। हेलो करो, ये वो कहाँ करेगा? फिर मामा आवे ना पिट्टे का घेर के। हेलो कर। तू कह रही थी इसका बाप एंड गवर्नमेंट जॉब, वो इसको पता नहीं है, पता लग गया होगा इसे चोरी छुपे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ ना। इन्हें चप्पल उड़ा के फेंक दी, कह रहे मम्मी टूट गई। निकल जाती है, फिर वो डालनी पड़ती है। अरे यार, जब कोई उल्टी सीधी चप्पल करेगा पैर में, निकाल पैर मोड़ मोड़ के, तो वे निकलेंगी। तो अब निकल गई, तो सुबह उठ के फेंक दी, तो मैं लेट गई वहां, तो इतना फेंक दी डाल। तो अभी आज की बात सुनो, मैं ना यहाँ पे अंदर बैठा हुआ था बेड पे, तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने चुपचाप बाथरूम में ऐसे ऐसे कर रहा, छुपी छुपी। पता नहीं क्या करेगा ये। मैं हमने सीधे सब वो ये बोर्ड साफ कर रही थी, जो ये हमारे बिजली के बोर्ड है ना, गंदे हो रहे थे काफी, तो ये साफ कर रही थी। मीनू कपड़ा मार रही थी, क्योंकि ये साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखती है, तो अपना बोर्ड में कपड़ा मार रही थी। तो इसने क्या करा जी, पीछे से पेंसिल जो हुई कवर में, इसकी वहां करी करंट लग गया। मैं क्या भाई, करंट लग गया थी कपबोर्ड साफ कर रही, मैं डर गया। तो फिर देखा, कह रही है देखो इसको मैं मार दूंगा, कौन कर दूंगा। मैं क्या हो गया? कह रही पेंसिल चुपा गया मेरा, मैंने पेंसिल ली, इसको पेंसिल पूरी गट रखी, पेन नहीं कर रखी। मैं कहा ओए यार, कह रहा मैं प्रैंक कर रहा था। ये बैठा, मैंने बचाया इसको, मैं चलो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं ना होता तो इसकी बस समझ लो अब क्या होना। जवान की भी कर ली थोड़ी सी डायलॉग तक क्या क्या तैयार हुआ। अरे चोट लग गई तगड़ी, पता कितनी चोट तू खा के। क्या करते तेरा चेहरा क्या गंदा हो रहा भाई? अच्छा सच्ची बताना कि मेरा चेहरा अच्छा है या इसका चेहरा अच्छा है? माय हैप्पी फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर अब देखो, मैं लगता हूँ भालू जैसा। देखो
यहाँ भी झाई आ गई मेरे। अरे नहीं दिख रही झाई झुई, कहाँ आ गई? पूरी दिख रही थी है ना, अपर लिप्स है। अरे यहाँ थर्डिंग के ऊपर भी आ गई, ये देखो यहाँ दिख रही। क्योंकि ये ना सिर पे खून की कमी है, आपको पता वही कारण है सिर खून। वो कह रही कि पपीता फ्रूट खून बढ़ाने वाला खाओ, जिससे तुम्हारा पपीता खाना ना सही ठीक है, पपीता टूटने का तेरा। रोज पपीता ही थोड़ा ही, रोज फ्रूट चेंज कर कर के खाओ। खून पी ले तू मेरा सिर दही देता हूँ निकाल के कटोरा। उल्टे गाओ सारे के सारे, तो ब्लॉग बना के, ब्लॉग बना के बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है ठीक है। और जब मैं देखता हूँ अभी थोड़े दिन में बेटर क्वालिटी करनी है, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बड़ा कुछ बड़ा सरप्राइज कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। जब हो जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सोच, एक कुछ अल्टीमेट होना है बस, ये देख लो कि नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अपना, ब्लॉगिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी, सेटअप पूरा चेंज हो जाएगा, घर यही रहेगा। क्योंकि घर जब तक यार ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं, बटर बटर ज़्यादा करूँ, सेटअप चेंज करने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई प्लीज। तो आप भी सपोर्ट करें, आप फाइनेंशियल सपोर्ट तो देखो कोई करेगा नहीं ठीक है, आप वैसे सपोर्ट कर सकते हो, वैसे शेयर करो ठीक है, दबा के व्यू लाओ बस, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे जो फेसबुक फैमिली है, मेरी एबी फैमिली है, वो मेरे कॉम्बो प्रैंक जो मेरा पेज आता है वो आपको नीचे इसमें मेरी प्रोफाइल जैसे खोलोगे ना, जैसे स्लाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा कॉम्बो प्रैंक, कहीं लिखा होगा उस पर टच कर देना, उस पेज को ओपन करके उसको फॉलो करें। बहुत अच्छी लग रही है मेरी टी-शर्ट। हाँ तो उसमें ना आपको 10,000 फॉलोअर कराने हैं, अभी मेरे 3,000 होने वाले हैं, इस पे तो मेरे 1,00,000 प्लस है। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उधर भी करा दो मेरे भाइयों, क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए, उससे मेरा पेज मोनेटाइज हो जाएगा और थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब से मिलना शुरू हो रहा था, यूट्यूब पे भी व्यू की बोछार कर दो यार। नीचे जो मेरी वीडियो के ऊपर है एफबी फैमिली, मेरी वीडियो के ऊपर ना डिस्क्रिप्शन की लाइन आएगी, उसमें यूट्यूब प्रैंक चैनल लिखा होगा, उसके नीचे लिंक है, उसको टैप करके सीधा आप यूट्यूब पे पहुंच जाओगे। जो मेरा लिंक आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, उसको टैप करके सीधा वीडियो पे पहुंच जाओ, उस पे चैनल पे पहुंच जाओगे आप। वहाँ पे जो 4-5 मिनट की लॉन्ग वीडियो होगी ना, मतलब वीडियो पे टच करना, फॉर्म आता है ऊपर, वीडियो आता है, फिर कम्युनिटी पोस्ट, फिर चैनल, फिर अबाउट, तो आप वीडियो पे टच करना और लिस्ट खुल जाएगी जो 5-5 मिनट की जो भी वीडियो होगी जो मैं डालता हूँ, आप प्लीज़ उसको फुल वॉच करें और उस पर जितने ज़्यादा हो सके उतने व्यू लाएँ, क्योंकि वो चैनल मोनेटाइज है, और व्यू ज़्यादा आएंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा मुझे। बाकी आप सब के हाथ में यार, और कुछ नहीं, और कोई कुछ नहीं कर सकता, आप सब दोस्त हो, फैमिली हो, मैं आपको फैमिली की तरह ही समझता हूँ, ये मेरी फैमिली है, फेसबुक फैमिली। कोई कमेंट आप जरूर किया करो, रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि इतने कमेंट आते नहीं है, 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, तो मैं देने के दे सकता हूँ आपको, कोई भी कमेंट आप कर सकते हो। बाकी 2 या 3 महीने में गारंटी दे रहा हूँ, 3 महीने बाद जो ये व्लॉग की क्वालिटी है, जो भी वीडियो की क्वालिटी, सब चेंज कर दूंगा, क्योंकि कुछ सोच रखा है, कुछ उसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि यार बैक सपोर्ट इतना नहीं है भाई, मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ, लेकिन भाई 2 हाथ पैर दे रखे ऊपर वाले ने, उन्हें बोला भाई तुझे खुली छूट है, तो जो काम मैं 1 साल बाद करना चाहता हूँ ना वो काम अभी हो सकता है, लेकिन भाई मेरे पीछे 1 और 2 बच्चे, 1 मैडम बैठी है और 2 बच्चे, इनका भी मेरे को सिस्टम देखना, और कोई मेरे को देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए मेरे को आ गया ट्यूशन से, सॉरी कहाँ से आया, स्कूल से तेल ला दी पैराशूट वाला। हाँ नोनू आ गया ट्यूशन से, मैं रात को फिर व्लॉग एंड करना भूल गया था, क्योंकि थक जाता हूँ, और हेलो करो, ये कौन सा स्टाइल होता है ऐसे ऐसे क्या, हेलो स्कूल से आ गया है, तो लोग कैंड करते हैं, अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और प्रैंक चैनल जरूर विजिट करना, नए नए प्रैंक आने वाले हैं, दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे, टेंशन ना लो, इसकी खैर नहीं है ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।